लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीडी लखनऊ से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए कर चुके मिस्टर इमरान खान जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं रिटेल ब्रांच बैंकिंग में 18 सालों का तजुर्बा रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी ने ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर लोन प्रोसेसिंग ऑडिट एंड ऑपरेशन एन आर सर्विसेज इन्वेस्टमेंट डेस्क फॉरन एक्सचेंज सर्विसेज आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मिस्टर इमरान खान जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जोड़ने के लिए धन्यवाद सबका स्वागत है आज के हमारे नए एपिसोड में नए सेशन में और जैसा कि हमारी कोशिश रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स के बारे में गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सरकारी योजनाओं के बारे में आप तक पहुँचाएं खासतौर पर वो योजनाएं जो कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र को और मजबूत करती हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं जो रह रहे हैं ख़ासतौर पर हमारे किसान भाई उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इन सेशंस के माध्यम से हम उन तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचा पाएँ और जिस जिसकी मदद से वो उन योजनाओं का लाभ उठा सकें और जो मौजूदा जो वो कार्य कर रहे हैं जिस तरह की फार्मिंग वो कर रहे हैं या और भी उनके पास जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसको वो और बढ़ा सकें या उसको दुगना या तीन गुना कर सकें तो इसी कड़ी में आज हम जो बात जो सेशन जिस टॉपिक पे हम करने जा रहे हैं वो कही कहीं ना कहीं ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र से कहीं ना कहीं संबंधित है और ग्रामीण क्षेत्र में ही उसका एक बहुत बड़ा आ, स्कोप भी है और बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था है जो उसके साथ जुड़ी हुई है जी हाँ मैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे आ, हम बात करने जा रहे हैं आज डेयरी उद्योग से संबंधित भारत सरकार की स्कीम डेयरी ऑन्टरप्रेनोरशिप डेवलपमेंट स्कीम जिसको डी के नाम से भी हम जानते हैं तो क्या है ये डेयरी ऑन्टरप्रेनोरशिप डेयरी डेरी हम से जब हम कहते हैं कि डेयरी ऑन्टप्रेनरशिप तो क्या चीज़ है वो डेयरी ऑन्टरप्रेनरशिप कौन लोग हैं जो इस उद्योग में आ सकते हैं इस, इस स्कीम के माध्यम से इसका लाभ उठा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं ख़ास तौर पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान साथी जो सिर्फ रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में जाते हैं अपने गांव अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे राज्यों में दूसरे शहरों में जाके पलायन करना पड़ता है उन्हें और रोज़गार की तलाश में उन्हें बाहर जाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं डेयरी ऑन्ट्रप्रन्यरशिप के साथ जुड़ के डेयरी उद्योग के साथ जुड़ के इस स्कीम के माध्यम से वो फंडिंग ले सकते हैं और भारत सरकार की इस योजना के माध्यम से वो अपने ही क्षेत्र में अपने ही गांव में रहते हुए इस उद्योग में जुड़ सकते हैं या अगर उस उद्योग में पहले से काम कर रहे हैं तो वो अपनी आय को और बढ़ा सकते हैं और बड़े स्केल तक इस बिज़नेस को ले जा सकते हैं तो समझते हैं कि डेयरी ऑन्टरप्रीनोरशिप डेवलपमेंट स्कीम जो है वो क्या है और क्या ख़ास बातें हैं क्या ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखनी हैं अप्लाई कैसे करना है किस तरह की फंडिंग है ये सारी जानकारी अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं Uh, जैसा कि मैंने बताया कि ये भारत सरकार की योजना है तो मुख्यतः ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है और उसी के माध्यम से इसमें फंडिंग प्रोवाइड की जाती है एजेंसीज़ के माध्यम से तो ये मुख्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और जैसा मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि कैसे हम अपने देश में जो हमारे किसान हैं या जो डेयरी से जो लोग इनकम कम कर रहे हैं वो कैसे इस उद्योग के माध्यम से अपनी इनकम कर शुरू कर सकते हैं या अगर पहले से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो कैसे अपनी इनकम को और बढ़ा सकते हैं ख़ासतौर पे डेयरी के क्षेत्र में Uh, इस, uh, इस स्कीम के लिए या इस पूरे uh, डेरी उद्योग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री जो है उसने एक वेंचर कैपिटल स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है फॉर डेयरी एंड पोल्ट्री पर्पस तो वेंचर कैपिटल स्कीम है जिसके माध्यम से जो है पूरी फंडिंग प्रोवाइड की जाती है पूरा जो है इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाता है ज़रूरी कदम uh, उठाए जाते हैं और जिस तरह की भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड किया जाता है uh, तो जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबेंडरी है मुख्यतः इसमें इसका योगदान इस स्कीम के लिए रहता है इसके ऑब्जेक्टिव्स की जैसे अगर हम एक संक्षेप में बात करें तो सबसे पहली चीज तो यह कि ये ऑन्टरप्रिनशिप को प्रमोट करता है एक जो डेयरी उद्योग है जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो डेयरी उद्योग है वो कहीं ना कहीं बहुत समय से बहुत सालों से या कह सकते हैं कि सदियों से ऐसा चला आ रहा है कि एक वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से और कह सकता हूं कि मैं जिसमें टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया जहाँ पे जो लाइव स्टॉक होता है उसकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम ऑनटरप्रनोरशिप की बात करते हैं तो जब हम किसी भी कार्य को एक प्रोफेशनल तरीके से करने की कोशिश करते हैं एक ऑनट्रप्रनर बन के करके करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे उसमें हमने हमेशा देखा कि उस क्षेत्र में उस व्यवसाय में उस सेक्टर में बहुत सारी जो है वो अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं और उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं ऑन्टरप्रनरशिप को जो है वो डेवलप करना वो उसको प्रमोट करना डेयरी सेक्टर के अंदर कि जो हमारे नौजवान हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं या शहर से भी अगर बिलोंग करते हैं तो लेकिन वो डेयरी उद्योग में भी एक ऑन्टरप्रिनरशिप एक अपना करियर एक अपना जो है वो फ्यूचर अपना एक सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऑन्टरप्रिनरशिप की फीलिंग उसको एक ऑन्ट्रप्रीनोरशिप की जो क्वालिटीज़ uh, होती हैं उनको डेवलप करना और उसको प्रमोट करना तो मुख्यतः इसका ये ऑब्जेक्टिव है साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि मिल्क की जो रिक्वायरमेंट है जो दूध की रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है उसकी वजह भी है क्योंकि हमारा जो एक तो पॉपुलेशन का एक इंक्रीज हुआ है उसके साथ साथ लोगों की जो खाने पीने की जो जो चेंजेस आए हैं खाने पीने के व्यवहार में उसमें भी मिल्क का काफ़ी इस्तेमाल हो गया है डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत तरह तरह के नए नए डेयरी प्रोडक्ट्स और इनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है इनका प्रोडक्शन शुरू हो गया है तो वहाँ पे भी हमें मिल्क की ज़रूरत होती है दूध की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से इसके प्रोडक्शन की बढ़ाने की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं इस स्कीम के माध्यम से भारत सरकार ये भी चाह रही है कि जो हमारा दूध का उत्पादन है वो बढ़ सके मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि आ सके और इंक्रीज़ किया जा सके मिल्क प्रोडक्शन को इसके अलावा खास तरह की जो ब्रीड्स होती हैं जो अच्छी ब्रीड्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि एक अच्छा ब्रीडिंग स्टॉक होता है जब वो अच्छा ब्रीडिंग स्टॉक होगा तो कहीं ना कहीं जो आपके उसके प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी और अच्छे बेहतर होंगे तो यहाँ पे जो आ, हाइफर काफ रेयरिंग है उसका उसका उसको बढ़ावा देना उसको कंजर्व करना और ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो ब्रीडिंग स्टॉक है उसको तैयार करना और उसको प्रमोट करने के लिए उसको इनकरेज करना भी इस स्कीम का जो है एक ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि ऑन्टरप्रीनरशिप को बढ़ावा दे रहा है हमारे ग्रामीण नौजवानों को या किस जो छोटे किसान हैं उनको उनकी आय को बढ़ाने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इस स्कीम के माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होती हैं और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं खासतौर तो पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पलायन रुकता है वहाँ नौजवानों को अपने ही क्षेत्र में अपनी इनकम को बढ़ाने का मौका मिलता है इसके लिए इस स्कीम के माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है भारत सरकार की तरफ से इस स्कीम के माध्यम से ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक की फीलिंग के साथ साथ जुड़ सकें और अभी तक जितना भी पुराने तरीके से जो ट्रेडिशनल तरीके से जो एक दूध का जो पूरा प्रोसेस था उसको अपग्रेड करा जाए और जो एज एज ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ जो थी उनको कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ मॉडर्न सिस्टम्स के साथ उसको अपग्रेड किया जाए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हमारा ये पूरा उद्योग पूरा डेयरी बिजनेस एक और प्रोफेशनल तरीके से और बेहतर हाइजीनिक तरीके से इसको रन किया जा सके जहाँ पे हमारे उत्पाद जो हैं वो बेहतर क्वालिटी के हों हाइजीनिक हों ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें ऑन्ट्रप्रीनर डेवलप हो सके ऑनटरप्रीनोरशिप निकल के आ सके तो ये इसके जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स इस स्कीम के रहे हैं तो आइए अब समझते हैं कि हमने समझा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्या इस किस तरह से मदद करता है ये स्कीम हमारे डेयरी उद्योग में जुड़े हुए लोगों को समझते हैं इसमें कौन कौन से एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं कौन लोग हैं कौन समूह कैसे कौन लोग इसमें जो है वो जुड़ सकते हैं तो अगर हम बेनिफिशरीज़ की बात करें तो इस स्कीम के माध्यम से सबसे पहला बेनिफिशियरी जो इसमें है जो जो प्राइमरी फोकस जिन पे है वो है हमारे किसान हमारे फार्मर्स खास तौर पे और उसमें भी जितना भी ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो वो भी सब इसमें एक एलिजिबल ऑन्टरप्रेन्योर की तरह जो है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और उद्देश्य क्योंकि फिर वही है कि जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं स्मॉल फार्मर्स हैं मार्जिनल फार्मर्स जिनको कहते हैं उनकी आय को बढ़ाया जा सके उनको एक ऑल्टरनेटिव दिया जा सके कि अगर वो जिनके पास छोटी मोटी ज़मीन है और उस पर जो है वो कुछ किसान अपना जो है वो कुछ फसल उगाते हैं तो कैसे वो बाकी समय में अपने एक और उद्योग खड़ा कर सकें हैं ताकि अपनी जो है वो इनकम को बढ़ा सकें तो यहाँ पे फार्मर्स ये को फोकस किया जाता है आ, फार्मर्स के लिए यहाँ पे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से भी वो उसमें जुड़ सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के भी जुड़ सकते हैं वहाँ पे और हमने देखा देश में हमारे कुछ बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो डेयरी उद्योग में है इसी तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये बहुत ही एक सस्टेनेबल मॉडल है ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के व्यवसाय को इसमें जुड़ा जा सकता है इस व्यवसाय में जुड़ सकते हैं इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा मिल्क यूनियंस बना के जो लोग कुछ लोग अगर इस उद्योग में पहले से हैं वो अपनी एक यूनियन बना सकते हैं और उस मिल्क यूनियन के माध्यम से भी इस स्कीम का इस इस पूरे जो पूरा जो प्रोजेक्ट है इसका जो है वो लाभ उठा सकते हैं इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं या मिल्क फेडरेशंस भी हो सकती हैं तो ये सभी इसमें जो है एक तरह से एक एलिजिबल बेनिफिशरी हो सकते हैं इस स्कीम में यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने भी बेनिफिशरीज़ होते हैं वो एक फैमिली में से मल्टीपल भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने भी मेंबर्स होंगे उस फैमिली के उनकी सबकी यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे होनी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही यूनिट हमारी एक जगह रन कर रही है और उसके उसी यूनिट पे दो फैमिली मेंबर्स या उससे ज़्यादा फैमिली मेंबर्स उस यूनिट्स के लिए अप्लाई कर सकें और बेनिफिशियरी बन सकें तो ऐसा नहीं हो सकता हाँ एक परिवार के दो या तीन लोग अलग अलग लोकेशंस पे अपनी अपनी यूनिट्स अगर बना रहे हैं तो भी यहाँ पे वो एक बेनिफिशियरी बन सकते हैं और अपने अपने उस प्रोजेक्ट के लिए वो फंडिंग ले सकते हैं बस यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि उनकी यूनिट्स अलग अलग होनी चाहिए तो जोग्राफिकली अगर हम देखें तो मिनिमम उन उनकी जो यूनिट्स हैं उनकी लोकेशन में मिनिमम 500 मीटर का फासला होना चाहिए 500 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए दोनों लोकेशंस में दोनों जो उनके फार्म्स होंगे जो यूनिट्स होंगी उनके अंदर 500 मीटर का फासला होना चाहिए तो एक ही फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स भी अलग अलग यूनिट्स खोल के इस स्कीम के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं यहाँ पे जो बेनिफिशियरी होती हैं जो बेनि बेनिफिशियरी हैं वो सिर्फ एक बार ही जो है वो ऑन्टरप्रीनरशिप डेवलपमेंट स्कीम में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और ये वन टाइम एक तरह की स्कीम होगी जिसमें आपको लाभ मिल सकता है इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को क्लस्टर मोड में करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे क्लस्टर मोड में उसको जो है वो स्कीम के, के लिए अप्लाई किया जाता है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से क्योंकि क्लस्टर्स का इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब कोई काम क्लस्टर के माध्यम से किया जाता है तो वहाँ पे आ, क्योंकि लोगों का एक्सपर्टीज जुड़ जाता है वहाँ पे रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है और अलग अलग तरह के लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं हाँ यहाँ पे क्योंकि ओनरशिप जो होगी वो डेयरी फार्मर्स की हो सकती है जो वुमेन सेल्फ, हेल, हे, सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि एक बहुत ही सस्टेनेबल मॉडल है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आ, वो इसमें ओनरशिप हो सकती है उनकी जो प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं या कोऑपरेटिव्स होते हैं उनकी ओनरशिप में अगर कोई क्लस्टर मोड में इस प्रोजेक्ट को आ, शुरू कर रहे हैं और इस स्कीम के माध्यम से आ, ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा थोड़ा सा प्रेफरेंस उसमें दिया जाएगा आ, इसके साथ साथ यहाँ पे जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी में हमने देखा कि महिलाओं के साथ या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं या जो मार्जिनल फार्मर्स हैं तो ये सब एक वीकर सेक्शन की तरह देखे जाते हैं तो यहाँ पे इस स्कीम के माध्यम में, में भी ये प्रावधान रखा गया कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको भी हम प्रेफरेंस दें आ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा वीकर सेक्शन है उसकी इनकम को बढ़ाया जाए तो यहाँ पे वीकर सेक्शन में अगर हम देखें तो महिलाएं हो सकती हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से संबंधित लोग हो सकते हैं उससे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या ऐसे फार्मर्स जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जो है जिनकी आय है जो गरीबी रेखा के नीचे उनका जो है फैमिली इनकम है तो वो लोग यहाँ पे एक वीकर सेक्शन की तरह देखे जाते हैं और उनको भी इसमें एक एलिजिबल बेनिफिशरी की तरह जो है उनको इसमें भी लाभ दिया जा सकता है इसके अलावा ऐसे किसान जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सूखा सूखा पड़ता है और बहुत ही जिनको उनके उनके इलाकों को बिल्कुल आ, कह सकते हैं सूखा ग्रस्त जो है वो घोषित कर दिया गया हो तो ऐसे फार्मर्स को भी कुछ अपनी एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम तैयार करने के लिए इसमें वीकर सेक्शन की तरह देखा जाता है और उनको भी इसमें मदद की जाती है इस स्कीम के माध्यम से तो लैंडलेस फार्मर्स को भी इसमें जो है एक प्रेफ्रेंस दिया गया है वीकर सेक्शन की तरह देखा गया जहाँ पे इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है और वो दूसरे बड़े किसान की किसी ज़मीन को लीज वहां पे लेके कर वहाँ पर फार्मिंग कर रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे लैंडलेस फार्मर्स को जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है उनको एक सोर्स ऑफ़ इनकम एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए इस स्कीम के माध्यम से उनको भी एक वीकर सेक्शन की तरह उनको इनकरेज किया जाता है कि आप इसमें अप्लाई करें और इस स्कीम के माध्यम से आप कुछ फंडिंग लें और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप भी आएँ और एंटरप्रेन्योरशिप इस डेयरी सेक्टर में आकर एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें क्योंकि स्कीम फंडिंग से संबंधित है तो थोड़ा समझते हैं कि फंडिंग पैटर्न क्या होगा किस तरह से फंडिंग होगा कितना मार्जिन होगा इसमें किस तरह की सब्सिडी है और तो ये अम, फंडिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जो कि 1.6 पॉइंट लैक्स अमाउंट से ज़्यादा का लोन अगर है तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी एक तो बैंक एडिट uh, सब्सिडी uh, होगी और दूसरा बैंक लोन का कंपोनेंट होगा तो यहाँ पे मिनिमम दस परसेंट जो टोटल आपका प्रोजेक्ट होगा वो फंडिंग होगी और पच्चीस परसेंट जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा कैंडिडेट का नॉर्मल के केस में और थर्टी थ्री परसेंट ऐसे ऐसे लोगों को जो एस सी कैटेगरी में है उनको जो है 25% परसेंट तक की सब्सिडी uh, इसमें प्रदान की जाएगी इसी तरह बैंक लोन जो बैलेंस पोर्शन होगा जिस जो कि मिनिमम फोर्टी परसेंट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का होगा वो उसमें दिया जाएगा हालांकि ये अमाउंट जो है वो चेंज हो सकता है आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से 40 परसेंट का जो सीलिंग है वो बढ़ाई भी जा सकती है लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस पोर्शन होगा वो इसका प्रोजेक्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो है वो इतना ही होगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का तो ये आरबीआई के ऊपर है कि वो अगर इस स्कीम में कोई बदलाव चाहता है कोई भारत सरकार की तरफ से अगर कोई रिकमेंडेशंस आती हैं तो इसमें इस अमाउंट इस को चेंज भी किया जा सकता है और ये आगे पीछे थोड़ा सा एक अमाउंट को जो है वो चेंज किया जा सकता है कैसे अप्लाई करें इस स्कीम के लिए तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपका जो डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है उसका ज्यादातर जगहों पे आपको ऑफिस मिल जाएगा तो आपके नियरेस्ट जो भी डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो जिसको डी डी ऑफ़िस कहते हैं तो वहाँ पे आप जाएं वहाँ संपर्क करें वहाँ के अधिकारी से आप मिलें उनसे एप्लीकेशन फॉर्म लें और वहाँ पे यह ज़रूरी होगा कि आप पहले वहाँ पे जो लोग बैठे हैं जो जो ऑफिसर्स हैं उनसे आप जाके डिस्कस करें और बताएं कि, कि किस तरह के उद्योग में आप हैं और आपको क्या एक्सपर्टीज़ है कैसे आप इसको आगे चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आप एक बार डिस्कशन पहले वहाँ पर करें जाके और उसके बाद फिर वहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म ले अच्छी तरह उसको फिल करें चाहे तो किसी की मदद से आप उसको पूरे फॉर्म को फ़िल करें ताकि उसमें कोई गलती ना हो और जो भी ज़रूरी कागजात आपसे मांगे जाते हैं जो भी ज़रूरी डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं जैसे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है नाम सही होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट या बैंक की पासबुक में जिस तरह से नाम लिखा है वही स्पेलिंग वही सारी चीज़ें वही डिटेल आपको यहाँ पर होनी चाहिए और आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें खास ध्यान रखने वाली बात है चाहे वो आपका आधार कार्ड हो आपका राशन कार्ड हो आपके बैंक अकाउंट की पासबुक हो वहाँ पे वो नाम और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मैच करनी चाहिए और उसी हिसाब से आपको फॉर्म भी फिल करना है इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स कि किस तरह का प्रोजेक्ट होगा कितना बड़ा होगा किस स्केल पे आप करना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट डिटेल्स के हिसाब से भी आपको फ़िल करनी पड़ेंगी ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में आपको डिटेल्स बतानी पड़ेंगी कि आपका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितनी जा रही है कितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे किस तरह का आप लोन चाह रहे हैं और टोटल कॉस्ट कितनी होगी कितना मैन पावर आप यूज़ करेंगे कितना स्टाफ रखेंगे किस तरह की मशीनरी आप रखना चाह रहे हैं तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट भी आपको बतानी पड़ेगी इसी के साथ साथ यहाँ पे आप कितना आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके इस उद्योग को शुरू करेंगे और क्या कौन सी ज़मीन होगी लैंड की डिटेल्स की कहाँ पे आप ये उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो इस तरह की तमाम जो भी एप्लीकेशन में मेन पॉइंट्स होंगे ये सब आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना पड़ेगा एप्लीकेशन uh, फ़िल करने के बाद जितने भी आपसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उसमें लिस्ट लगी होती है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की आप एक उसके साथ अटैच करना पड़ेगा आपको लगाना पड़ेगा इसमें आपकी बैंक की पासबुक होगी आपका आधार कार्ड होगा और लैंड की डिटेल्स होंगी तो इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स वो आपको उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ सबमिट करने पड़ेंगे और ये एप्लीकेशन जो है वो आपको डीडीडी ऑफिस में या जो भी एजेंसी वहाँ पे कार्य कर रही होगी वहाँ पे आपको जाके इसको सबमिट करना पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन विभाग द्वारा पूरी स्क्रूटनाइज करी जाएगी पूरी उसकी स्क्रूटनिंग की जाएगी उसको चेक किया जाएगा वेरीफाई किया जाएगा जो भी डेजिग्नेटेड एजेंसी है उसके द्वारा और उसी के साथ साथ जो जो भी एप्लीकेंट होगा उसको एक जो है वो एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जो प्रोजेक्ट वो स्टार्ट कर रहा है वो एक समय सीमा उसकी निर्धारित करनी पड़ेगी कि उस समय सीमा के अंदर उस टिपुलेटेड टाइम के अंदर उसको वो ख़त्म कर ले जब पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा विभाग द्वारा एजेंसी द्वारा पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है वेरिफिकेशन हो जाएगा भारत गवर्नमेंट की तरफ से तो जो सब्सिडी अमाउंट है वो फिर रिलीज़ कर दिया जाएगा और ये जो डायरेक्ट आपका जो बैंक अकाउंट जब आपने सबमिट किया होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके साथ साथ उसी अकाउंट में आपके ये पैसा जो है ये सब्सिडी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उस स्कीम के होंगी और आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से या आपके एप्लीकेशन के हिसाब से जो भी सब्सिडी अमाउंट बन रहा होगा वो आप तक आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा समझते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कौन से ज़रूरी कागजात हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रखने होंगे या जब आपकी सब्सिडी रिलीज़ हो रही होगी तो बैंक या जो भी एजेंसी है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो आपसे मांग सकती है ये डॉक्यूमेंट्स तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो इसमें है वो तो एक, एक तरह की अंडरटेकिंग है एक तरह का एफिडेविट होगा जो ये बताएगा जिसमें आप ये डिक्लेयर कर रहे होंगे कि आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं यानी कि आपके पास स्वरोजगार पहले से नहीं है और आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो कि बैंक हो सकता है कोई कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है कोई नॉन बैंकिंग भी हो सकता है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट का हो सकता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप एक नॉन uh, डिफॉल्टर की तरह हैं यानी कि आपके ऊपर कोई भी कर्जा कोई भी देनदारी आपके ऊपर नहीं है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो ये एक तरह की एक एफिडेविट हो होती है एक अंडरटेकिंग होती है जो आपको देना होता है जो सबसे प्राइमरी uh, जो आपका एक डॉक्यूमेंट बनता है इसके साथ साथ जहाँ पे लोन अमाउंट जो है वो एक लाख रुपए से ज़्यादा का अगर हो रहा है तो वहाँ पे आपको जिस लैंड पे आप काम कर रहे हैं जिस लैंड पे आपका प्रोजेक्ट है फार्म है उस लैंड की भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे जो उसके गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको वहाँ पर उस प्रॉपर्टी के उस लैंड के आपको देने पड़ेंगे इसके साथ साथ आपका जो राशन कार्ड होगा या जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा अगर आप किसी वैस किसी वीगर सेक्शन से आते हैं या आप अगर अदर देन जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको कुछ रियायत मिलती है जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड्स भी दिखाया तो वहाँ पे आपको राशन कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट ये दोनों चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी इसके अलावा आपको तीन अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसमें लगानी पड़ेंगी जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप सबमिट करेंगे अगर आप कोई वेटरनरी यूनिट कोई ऐसी क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं साथ ही साथ तो वहाँ पे आपको एक जो आपकी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस की जो डिग्री होती है उसको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आप कोई इस तरह की कोई क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं वो मोबाइल क्लिनिक भी हो सकती है या कोई स्टेशनरी क्लिनिक यानी कि एक जगह पे जो हमेशा रहे वो भी हो सकती है अगर आप मोबाइल क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं जहाँ पे कोई थोड़ी सी रेफ्रिजरेटेड फैसिलिटी भी देना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी देना पड़ेगा अपना क्योंकि वो मूवेबल होगी वो किसी वैन के अंदर होगी तो उसको मूव करते रहना पड़ेगा तो वहाँ पे एक ड्राइविंग लाइसेंस या जो ड्राइवर की डिटेल्स होती हैं वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेंगी तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की तरह आप इसमें जो है सबमिट करने पड़ेंगे समझते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि किस तरह का असिस्टेंट पैटर्न है क्या यूनिट कॉस्ट के हिसाब से किस तरह का इसमें जो है वो कंपोनेंट्स हैं तो यहाँ पे अगर हम टाइप ऑफ कंपोनेंट्स में देखें तो जैसे पहला जो टाइप ऑफ कंपोनेंट हो गया वो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल डेयरी फार्म्स विद क्रॉस ब्रेड काउज और इंडिजीनियस डिस्क्रिप्स मिल्क काउज लाइक साहिवाल या गेर या इस तरह की जो ब्रीड्स हैं उनसे संबंधित है या कोई और, या फिर ग्रेडेड बफेलोज तो इनको स्मॉल डेरी फार्म्स ऐसे स्मॉल डेयरी फार्म जो इस तरह की ब्रीड्स में डील कर रहे हैं उनके लिए जो असिस्टेंस है पैटर्न ऑफ असिस्टेंस है अगर हम उसकी बात करें तो वो 33.33 परसेंट फॉर एससी और एसटी फार्मर्स के लिए होता है 25 परसेंट आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का होगा वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के, के, के लिए होगा यानी कि जो जनरल कैटेगरी के जो फार्मर्स हैं जो ऑन्टप्रेन होंगे उनके लिए ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का ट्वेंटी फाइव परसेंट एज अ सब्सिडी होगा लेकिन वही सब्सिडी बढ़ के थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट हो जाएगी जो कि एस सी या एस एस कैटेगरी के जो फार्मर्स होंगे उनके लिए है जो सब्सिडीज़ हैं वो प्रो रेटा बेसिस पे मैक्सिमम दस एनिमल्स और सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ सत्रह हज़ार पाँच सौ पर एनिमल ये नॉर्मल कैटेगरी के लिए होगा और जो एस सी कैटेगरी के लिए वो पर एनिमल तेईस हज़ार तीन सौ रुपये होगा एस सी कैटेगरी के फार्मर्स के लिए तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ़ uh, कह सकते हैं कि एनिमल्स के बेसिस पे प्रो प्रोडेटा बेसिस पे जो है इसको जो है सब्सिडी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे अगर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो इस कैटेगरी के लिए यूनिट कॉस्ट कैसे डिफाइन की जाएगी Uh, जो मिनिमम यूनिट साइज़ है वो दो एनिमल्स यानी कि दो जानवर अगर हैं तो वो मिनिमम एक यूनिट मान ली जाएगी इसी किसी तरह अगर अगर दस एनिमल्स हैं तो वो मैक्सिमम यूनिट साइज़ होगी दस के ऊपर फिर वो अगली यूनिट की तरह फिर उसे ट्रीट किया जाएगा लेकिन एक यूनिट के अंदर वो दस एनिमल ही माने जाएंगे uh, तो जो टोटल यूनिट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सात लाख रुपये दस एनिमल्स का जो है वो एक टोटल कॉस्ट यूनिट कॉस्ट की तरह कैलकुलेट uh, किया जाएगा इसके अलावा uh, ऐसे ऐसे फार्मर जो वर्मी कोस्ट विद मिल्क एनिमल्स जहाँ पे मिल्क एनिमल्स जो होते हैं वो एक सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे इसमें भी सेम सब्सिडी अमाउंट रहेगा जो जैसे हमने ऊपर देखा कि पच्चीस प्रतिशत होगा जनरल कैटेगरी के जो फार्मर्स होंगे उनके लिए और एस सी कैटेगरी के फार्मर्स के लिए 33 .33. परसेंट होगा यहाँ पे सिर्फ सीलिंग अगर हम बात करें तो जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे जो सब्सिडी का सीलिंग आ, का जो लिमिटेशन आ रहा है वो आ रहा है छ हजार तीन सौ रुपये और एटी फोर हंड्रेड एस सी एस टी कैटेगरी के लिए जो कि एक्चुअल कॉस्ट होगा यानी कि जो भी उसमें लोअर अमाउंट होगा उसको देखा जाएगा और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर हम बात करें टोटल यूनिट कॉस्ट की बात करें तो वो बन रहा है पच्चीस हजार दो सौ रुपये पर यूनिट कॉस्ट इसी तरह अगर हम हाइफर काव्स रेयरिंग की बात करें आ, या जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं जैसे कि ब्रीड्स कैटल ब्रीड्स हो गई ग्रेडेड बफेलोज हो गए या क्रॉस ब्रीड्स हो गई तो यहाँ पे सब्सिडी अमाउंट और जो जो पैटर्न है वो सेम रहेगा सिर्फ आ, जो उसका प्रोरेटा बेसिस पे जो कैलकुलेशन आएगा उसके बारे में बता दूँ कि मैक्सिमम बीस काव्स को जो है वो एज अ यूनिट देखा जाएगा और यहाँ पे जो मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट है वो बारह हज़ार एक सौ रुपये पर काफ होगा नॉर्मल के केसेस में और सोलह हजार दो सौ रुपये पर काफ होगा एस सी या एस टी के जो फार्मर्स होंगे या फिर ये मैक्सिमम होगा या फिर जो एक्चुअल कॉस्ट होगी जो भी उसमें कम होगी यानी कि एक्चुअल कॉस्ट अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल कैटेगरी में अगर एक्चुअल कॉस्ट आपकी दस हज़ार रुपये आ रही है तो फिर दस हज़ार ही एप्लीकेबल होगा फिर बारह हज़ार एक सौ नहीं होगा लेकिन अगर जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो बारह हज़ार से ऊपर जा रही है तो वो बारह हज़ार एक सौ ही ए, उसमें कंसिडर किया जाएगा इसी तरह जो यूनिट कॉस्ट इस केस में देखी जाएगी वो ट्वेंटी काव्स के, के केसेस में नाइन पॉइंट सेवन लैक्स रुपीज़ होगी और मैक्सिमम यूनिट यहाँ पे वो ट्वेंटी काव्स का ही काउंट किया जाएगा जो पर यूनिट कॉस्ट जो कैलकुलेट की जाएगी तो इसी तरह अगर हम बात करें कि जहाँ पे मिल्किंग मशीन्स परचेस करनी है या आप मिल्क कूलिंग यूनिट्स परचेस करना चाहते हैं या मिल्क टेस्टर्स परचेस करना चाह रहे हैं यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाह रहे हैं थोड़ा सा मशीन्स आप यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेट है इसके लिए यहाँ पे भी सब्सिडी अमाउंट जो है वो कॉमन ही रहेगा उसी उसी तरह से जो सब्सिडी का रेस्ट्रिक्शन होगा जो सीलिंग होगी वो होगा जनरल कैटेगरी के, के केसेस में फाइव लाख रुपीस यानी कि पाँच लाख रुपए तक का जनरल कैटेगरी में और सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन लाख होगा जो एस और एस एसटी कैटेगरी के फार्मर्स होंगे जो इस कंपोनेंट के लिए अप्लाई करेंगे सब्सिडी को या फिर जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी उस उससे उसको कैलकुलेट किया जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशीनरीज के लिए भी जो है यहाँ पे प्रावधान रखा गया है इसके साथ साथ अगर आप कुछ ए, ऐसा कुछ ट्रांसपोर्टेशन या आप कोई कोल्ड चेन क्रिएट करना चाह रहे हैं कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपके डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन करना है उनको कोल्ड चेन मेंटेन करना है Uh, तो तो भी ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका भी ध्यान रखा गया है इसमें और इसी तरह इसमें भी सब्सिडी का जो अमाउंट है वो कॉमन रहेगा लेकिन जो सीलिंग रखी गई है इसमें वो जनरल कैटेगरी के फार्मर्स के लिए छः लाख रुपए और एस सी कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है वो आठ लाख रुपये है इसी तरह अगर कोई डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स परचेज करना चाह रहा है कि जो डेयरी प्रोसेसिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको परचेस करने के लिए यहाँ पे भी सब्सिडी अमाउंट है जिसका जनरल कैटेगरी के केसेस में 3.30 लाख और एस सी कैटेगरी में 4.40 लाख जो है वो इसका सब्सिडी अमाउंट का जो मैक्सिमम सीलिंग है वो रखी गई है इसको यूनिट कॉस्ट के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो जो मिल्किंग मशीन्स परचेज करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे ट्वेंटी लैक्स की एक यूनिट कॉस्ट देखी गई है इसी तरह साढ़े छब्बीस लाख रुपए होगा अगर आप कोई कोल्ड चेन या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो मैक्सिमम यूनिट कॉस्ट जो है वो साढ़े छब्बीस लाख है और इसी तरह जो डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स ख़रीदने के लिए तेरह पॉइंट टू जीरो लाख जो है वो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट इसकी देखी गई है इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनको भी समझते हैं इस्टेबलिशमेंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ ऑफ़ मिल्क आइटम्स एंड मिल्क यानी कि हम जानते ही हैं कि दूध एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है तो यहाँ पे अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंसेज में अगर उसको सप्लाई करना है तो वहाँ पे हमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए भी यहाँ पे सब्सिडी अमाउंट है और जो रेस्ट्रिक्शन रखा गया है वो एट पॉइंट टू फाइव लैक्स जनरल कैटेगरी के लिए और ग्यारह लाख एस सी और एस टी कैटेगरी के लिए है टोटल जो यूनिट कॉस्ट है वो थर्टी थ्री लैक्स इस केस में है इसी तरह अगर कोई डेयरी आउटलेट या डेयरी पार्लर को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है अपने गाँव के बाहर या किसी एक नए एरिया में आप एक आउटलेट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके लिए भी जो सीलिंग अमाउंट रखा गया है वो सेवेंटी फाइव थाउजेंड एस जो है वो उसके लिए रखा गया है एस सी जनरल कैटेगरी के लिए और एक लाख रुपए एस सी और एस टी कैटेगरी के लिए रखा गया है यहाँ पे जो यूनिट कॉस्ट आती है वो लगभग तीन लाख रुपए होती है इसी तरह अगर कोई प्राइवेट वेटरी क्लिनिक्स रखना चाह रहा है क्योंकि हम लाइफ स्टॉक की हेल्थ की भी बात करते हैं उन्हें भी बीमारियाँ होती हैं उनके लिए भी रेगुलर चेकअप्स और रेगुलर जो है उन्हें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे वेटनरी क्लिनिक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ पे उनको इस्टेब्लिश करने के लिए भी यहाँ पे सब्सिडी रखा गया है और उसकी जो सीलिंग होगी वो सिक्सटी फाइव थाउजेंड फॉर मोबाइल क्लिनिक्स होगा और एट्टी सिक्स थाउजेंड फ़ॉर एस सी एस टी कैटेगरी केसेज़ में आ, रखा गया है जो मैक्सिमम सीलिंग रखा गया है यहाँ पर जो स्टेशनरी क्लिनिक्स होंगे यानी कि एक क्लिनिक किसी दुकान या मकान के अंदर अगर है जो फिक्स रहेगी जो कहीं मूव नहीं करेगी उस केस में पचास हज़ार रुपये है स्टेशनरी क्लिनिक जनरल कैटेगरी के लिए और सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है एस सी एस टी कैटेगरी के uh, के लिए अगर कोई मोबाइल क्लिनिक या स्टेशनरी क्लिनिक स्टार्ट स्टैब्लिश करना चाह रहा है यूनिट कॉस्ट यहाँ पे टू पॉइंट सिक्स लैक्स होगा मोबाइल क्लिनिक्स के लिए और टू लाख रुपीज फॉर स्टेशनरी क्लिनिक तो वेटनरी क्लिनिक भी इसमें एक अच्छा उसमें जो है वो रिक्वायरमेंट होती है अब हम बात करते हैं रेट ऑफ़ इंटरेस्ट की या जो रीपेमेंट टेन्योर होता है वो क्या है किस तरह से इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ पे जो बैंक होता है वो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो पूरे लोन अमाउंट पे करता है जब तक उसको सब्सिडी नहीं मिलती है यानी कि आपने अगर फॉर एग्जांपल दस लाख रुपए का लोन है और आपको सब्सिडी नहीं मिली तो जो लोन पे इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो आपका सब्सिडी नहीं मिलने जब तक सब्सिडी नहीं आएगी तब तक आपको उस पूरे अमाउंट पे लोन अप्लाई होगा आ, उसके बाद फिर ये सब्सिडी अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा आपके बैंक लोन अमाउंट से और फिर इंटरेस्ट उस हिसाब से चार्ज होगा इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले भी अपने पिछले सेशंस में भी मैंने डिस्कस करा कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कहीं फिक्स नहीं होता है ये बैंक टू बैंक चेंज होता है और क्योंकि हर बैंक का एक अपना आ, कह सकते हैं कि उसका अपना एक एम रेट होता है जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लैंडिंग रेट बोलते हैं तो क्योंकि जो उनका बेस रेट होते हैं जो वो डिफरेंट होते हैं तो उसी के बेसिस पे वो रेट इंटरेस्ट रेट किसी भी लोन प्रोडक्ट का डिसाइड करते हैं तो यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं होता है या आप अपने बैंक में जब आप अप्लाई करेंगे इस, इस स्कीम के लिए वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस किस रेट पे आपको ये मिल रहा है हालांकि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं क्योंकि उसमें सब्सिडी अमाउंट भी होता है तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट का काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है तो इसी लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि हम किसी स्कीम के माध्यम से बैंक लोन लें जहाँ पर हमें कुछ सब्सिडी अमाउंट भी मिल जाए और आपका जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो जाए अगर हम रीपेमेंट फैसिलिटी की बात करें कि कितने दिनों में कितने सालों में आप ये लोन को अदा कर सकते हैं तो यहाँ पे तीन साल से लेकर सात साल के बीच में आप कभी भी इस लोन को कंप्लीट कर सकते हैं ख़त्म कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है डेयरी फार्मर्स को कि वो रीपे कर सकें इस लोन को तो वो डेयरी जो आपका ग्रेस पीरियड होगा वो तीन से छः महीने तक का इसमें ग्रेस पीरियड दिया जाएगा इसी तरह जो बेनिफिशरी हैं जहाँ पे ओनरशिप है उनके पास काफ रियरिंग यूनिट्स की उनके लिए जो है वो तीन साल का इसमें ग्रेस, ग्रेस पीरियड दिया होता है क्योंकि वो वहाँ पे काफ रियरिंग यूनिट होती है तो उसमें थोड़ा समय और होने चाहिए होता है तो यहाँ पे जो ग्रेस पीरियड होगा वो तीन साल तक का इसमें इनको दिया जाता है टाइम लिमिट क्या होती है कम, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की एक समय सीमा रखी गई है तो जो आ, काफ रेयरिंग यूनिट्स होती है जहाँ पे डिसबर्समेंट होता है उनको छोड़ के जो लिमिट होती है वो दो साल होती है इसी तरह मैक्सिमम नौ नाइन मंथ्स का पीरियड होता है जब आपका डिसबर्समेंट शुरू हो जाता है यानी कि बैंक से आपको जब लोन हो गया अब आपको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो मैक्सिमम नौ महीने के अंदर जो है आप उस प्रोजेक्ट को रन करके और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन होती है Uh, वो थोड़ा सा बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन वो मैक्सिमम तीन महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है वो भी तब जब आप कोई वैलिड जस्टिफिकेशन देंगे अपने जो भी बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको आप वैलिड जस्टिफिकेशन देंगे कि आपका प्रोजेक्ट अगर थोड़ा डिले हो गया है या उस समय सीमा के अंदर नौ महीने के अंदर आप उसको नहीं कर पाएँ तो फर्दर तीन महीने का आपका जो बैंक होगा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा वो आपको तीन महीने का और ग्रेस दे सकता है लेकिन ये मैक्सिमम होगा Uh, यहाँ पे जो रीफाइनेंस असिस्टेंस है जो कमर्शियल बैंक्स को दिया जाता है जो आर या जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो इनको जो रीफाइनेंस इस स्कीम के माध्यम से होता है वो नाबार्ड के माध्यम से होता है नाबार्ड जैसा हम जानते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहते हैं तो वो जितने भी इस तरह के एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रीफाइनेंस करता है और उनमें जो है वो उनको ही मदद करता है इस स्कीम के लिए ये यहाँ पे एक बार मैं बता दो फिर से चलूँ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो नाबार्ड ही समय समय पे अपनी नोटिफिकेशन द्वारा अपनी वेबसाइट पे भी आप उनके जाके चेक कर सकते हैं तो वहाँ पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो समय समय पे नाबार्ड द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा इस स्कीम के लिए जो रिफाइनेंस वो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे बैंक्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं कुछ थोड़ी सी कंडीशंस भी समझते हैं कि क्या क्या इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं जो जो भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये इंश्योर करना है कि जो जो आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है आपका जो सेटअप होगा जो मशीन्स होंगी जो जितना भी पूरा सेटअप है जो ओवरऑल तो, पूरा प्रोजेक्ट एक तरह से आपका इंश्योर्ड होना चाहिए किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से ताकि कोई भी अगर आ, कोई भी नेचुरल क्लामिटी आती है या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस अमाउंट से उसकी भरपाई की जा सके यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो भी प्रोजेक्ट होगा जो वहाँ पे एक बोर्ड लगा के रखना पड़ेगा जिसमें खास तौर पर लिखा होगा असिस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नाबार्ड ये हर यूनिट के ऊपर ये एक बोर्ड लगा के आपको डिस्प्ले करना होगा और इसके बाद इसको जो है अधिकारी आते हैं तो ये चीज़ चेक भी करते हैं कि आपने इस तरह का बोर्ड वहाँ पे लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होते हैं या जो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका होता है दोनों ही समय पे इंस्पेक्शन किया जाता है आपके प्रोजेक्ट का आपकी यूनिट का जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक होगा या जो भी बैंक है जिसके माध्यम से आपको फ़ंड प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो उसके अधिकारी आएंगे उनके जो फील्ड ऑफिसर्स या जो भी उसमें क्रेडिट ऑफिसर्स हैं वो आएंगे इसमें इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि आपने सारी समय चीज़ें समय पर एग्जीक्यूट करी हैं कि नहीं करी हैं और आपने जो फ़ंड लिया है उसको आपने प्रॉपर यूटिलाइज़ किया है कि नहीं किया है इसी तरह ये बहुत खास ध्यान रखा जाता है इसमें कि कहीं भी कोई डुप्लिकेशन ना हो सके प्रोजेक्ट्स का और एक ही स्कीम में मल्टीपल स्कीम के लाभ ना उठाए जा सकें और इसमें डुप्लीकेसी ना हो सके इस भी इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कौन कौन से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ होंगी यहाँ पे सबसे पहले तो कमर्शियल बैंक्स क्योंकि बैंक कमर्शियल बैंक्स हमारे घरों के हमारे हर शहर में गांव में हर जगह कमर्शियल बैंक्स या अर्बन uh, या रूरल एंड रीजनल बैंक जितने हैं ये सब uh, होते हैं तो ये दोनों तो मुख्यतः इसमें होते हैं इसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स ये होते हैं या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ये भी इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं इसके अलावा नाबार्ड में जितने भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिनको उन्होंने उसने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि एलिजिबल कैटेगरी एलिजिबल लिस्ट में रखा गया है जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि आपको ख़ास तौर पे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करें जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कैसे उन गवर्नमेंट की स्कीम के माध्यम से आप बेहतर रोज़गार या आप जिस व्यवसाय में हैं अगर उसको और बेहतर करना चाहते हैं या आप कोई एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हैं तो कैसे गवर्नमेंट की जो तरह तरह की स्कीम्स हैं अलग अलग उद्योगों के लिए उनकी उनके मदद से आप नए रोज़गार या अपने रोज़गार को और आगे बढ़ा सकते हैं इसी कड़ी में आज का भी सेशन है हमारा दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि, कि किसी भी व्यवसाय में किसी भी सेक्टर में जो उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यवसाय में किसी भी सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कमी देखते हैं तो वहाँ पे उस पूरे जो सेक्टर होता है उसको कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं आ, वो क्यों ख़ासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में या जो ऐसे आ, लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं या उसकी मदद लेना चाहते हैं ऐसे क्षेत्रों की तो उनके लिए हम आज बात, बात करेंगे एनिमल हजबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ए एच आई डी एफ जैसा मैंने अभी बताया कि किसी भी व्यवसाय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो आप किसी भी व्यवसाय को और अच्छा कर सकते हैं तो हर व्यवसाय में हर सेक्टर में उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है भारत सरकार ने भी इस चीज़ को समझा है तो जो एनिमल हस्बेंड्री जो एक पूरा सेक्टर है उसको और बेहतर करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योज अभियान है उसके तहत पंद्रह हजार करोड़ रुपए का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि ए एच आई डी एफ के नाम से हम जानते हैं इसको लॉन्च किया इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप कर सकें वहाँ पे जो जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको हम बेहतर कर सकें तो इस पूरे उस पूरे सेटअप के लिए जो टोटल पैकेज अमाउंट है वो भारत सरकार द्वारा वो है पंद्रह हज़ार करोड़ रुपए जी हाँ ये बहुत एक अच्छा अमाउंट है और इस इतने अमाउंट से एक बहुत बड़े लेवल पे इस स्कीम के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें ये काम किया जा सकता है जहाँ पर इसका जो है वो फ़ायदा उठाया जा सकता है तो ऐसे तौर पे जो डेयरी प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफ़िकेशन से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है इसके अलावा जो मीट प्रोसेसिंग ऐसे यूनिट्स होते हैं या प्रोडक्ट डाइवर्सिफ़िकेशन जहाँ पे होता है उन उस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें चाहिए वहाँ पर इस फंड को यूज़ किया जा सकता है एनिमल फीड प्लांट्स क्योंकि हम जब इस तरह के यूनिट्स को बढ़ाने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा फीड की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे एनिमल फीड प्लांट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो एनिमल फीड प्लांट्स में जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा उसके लिए क्योंकि हम जब एनिमल्स को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे वेस्ट बढ़ेगा तो कैसे जो एनिमल वेस्ट है उसको कैसे वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए कैसे वेस्ट से वेल्थ बनाई जाए तो एनिमल वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट जिसको एग्री वेस्ट मैनेजमेंट भी पूरे तौर पे कह सकते हैं तो उसको सेटअप करने के लिए उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है इसी तरह सेटिंग अप ऑफ वेटनरी वैक्सीन एंड ड्रग्स मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऐसे यूनिट्स ऐसे सेटअप्स जो वैक्सीन पे काम कर रहे हैं वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं या इस तरह की दवाइयाँ बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में है तो ये सब इस इस स्कीम के माध्यम से इनको इंसेंटिव मिलता है इनको बेनिफिट मिलता है इस फंड के माध्यम से और ये जो फ़ंड है टोटल फंड ये जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ़ एनिमल हजबेंड्री एंड डेरिंग मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेरिंग इनके माध्यम से जो है इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है ये जो स्कीम है यहाँ पे बताता चलूँ कि पूरे पूरे देश में Uh, जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरेट्रीज हैं इसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है तीन वर्ष के लिए जो कि शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर दो से फाइनेंशियल ईयर दो हज़ार तेईस चौबीस तक का तो ये इसकी जो है एक तरह से जो है इस प्रोजेक्ट की इस फंड की जो एक टाइमलाइन रखी गई है वो फाइनेंशियल ईयर बीस से लेके फाइनेंशियल ईयर तेईस चौबीस के एंड तक ये पूरा फंड को जो है वो यूटिलाइज करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना है स्कीम के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें और डिटेल में समझते हैं तो जो पहला ऑब्जेक्टिव इसका होता है टू हेल्प इंक्रीजिंग ऑफ मिल्क एंड जो मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी है एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नए नए तरह के प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए जा रहे हैं जिससे कि वहाँ पे जितना भी अनऑर्गेनाइज रूरल मार्केट जो है ख़ासतौर पे जो मिल्क या मीट प्रोड्यूसर्स का है उनको एक ऑर्गेनाइज्ड मिल्क एंड मीट मार्केट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो ये है कि जो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है मिल्क एंड मीट प्रोड्यूसर्स का उसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल्क और मीट मार्केट के तौर पे डेवलप किया जाए उसको जो है प्रमोट किया जाए उसको इस्टेब्लिश किया जाए उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए प्रोडक्शन की इसी के साथ साथ जो प्राइस रियलाइजेशन है प्रोड्यूसर्स का उसको जो है बेहतर किया जा सके ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है उसके अलावा जो कंज्यूमर जो डोमेस्टिक मार्केट के जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेहतर से बेहतर एक अच्छी क्वालिटी के मिल्क या उसके प्रोडक्ट्स और मीट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल सकें और डोमेस्टिक मार्केट में भी एक अच्छा हाई क्वालिटी मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकें जब हम क्वालिटी की बात करते हैं ख़ासतौर पर मिल्क या अमीर प्रोडक्ट्स की तो वहाँ पे प्रोटीन एन जो क्वालिटी होती है उसका एक बहुत बड़ा उसमें जो है वो एक पैरामीटर है कि वो कितना उसमें प्रोटीन का जो कंपोनेंट है वो कितना है और उसी के उसी से उसकी क्वालिटी को जज किया जा सकता है तो इसी जब हम अच्छा प्रोटीन एंड रिच क्वालिटी फूड प्रोवाइड करेंगे तो तभी हमारे देश में जो है जो पॉपुलेशन बढ़ रही है जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको जो है वो एक अच्छा अच्छा अच्छी हेल्थ मिलेगी प्रोटीन हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से जो माल न्यूट्रिशन की जो शिकायत होती है जो कुपोषण की शिकायत होती है ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चों में जो कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है उसको जो है ये दूर करेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वालिटी फूड मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स जहाँ पे प्रोटीन का जो है कंपोनेंट वो अच्छा हो क्वालिटी बेहतर हो उसको जो है डेवलप किया जाए और बेहतर से बेहतर उत्पाद मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स के जनरेट किए जाए इसके साथ साथ ऑन्टरप्रेनोरशिप को भी या एम्प्लॉयमेंट को बेहतर बनाना बनाया जाए और रोजगार की ऑन्टरप्रेनोरशिप की जो है वो आ, और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएँ खासतौर पर इस उद्योग के अंदर तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है इसके अलावा एक्सपोर्ट्स इस इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सेक्टर है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो ऐसे एक्सपोर्ट यूनिट्स को प्रमोट करना ऐसे एक्सपोर्ट्स यूनिट्स को बढ़ा बढ़ावा देना उनको इनकरेज करना ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने मीट या मीट के जो 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 मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं उनको और जो है वो बढ़ा सकें और इंक्रीज कर सकें और हमारे देश की जो इकानमी है उसको उसको बेहतर कर सकें एक्सपोर्ट्स जब बढ़ते हैं तो फॉरेन रिजर्व हमारे उसमें हमारी कंट्री में आता है जो हमारा पूरा एक इकोनॉमिक एक, डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है खासतौर पे इस उद्योग के अंदर इसी के साथ साथ ये इस फंड के माध्यम से ये भी सुनिश्चित किया जाता है ये भी कोशिश रहती है कि जो एनिमल फीड है खास तौर पे जो कैटल्स के केस में शीप के केस में गोट्स हैं पिग्स हैं पोल्ट्री है वहाँ पे भी एक अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर जो उनका एनिमल फीड है उस विद क्वालिटी यानी कि क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छा एनिमल फीड कैटल्स के लिए तैयार किया जा सके उस उस तरह के यूनिट्स को प्रमोट किया जा सके तो इस फंड के माध्यम से ऐसी यूनिट्स को भी जो है वो प्रमोट किया जाएगा अब बात आती है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है तो सबसे पहली चीज़ तो एक कोई भी इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति जो इस क्षेत्र में काम करना चाहता है इस तरह का कोई यूनिट सेट से इस्टेब्लिश करना चाहता है तो एक एज एन इंडिविजुअल अकेला भी वो एक इसमें एक ऑन्टरप्रेन्योर की तरह इसमें जो है वो अप्लाई कर सकता है और इस स्कीम का लाभ उठा सकता है तो इंडिविजुअल और ऑन्टरप्रेनोर जो होते हैं वो इसमें एलिजिबल होते हैं इसके अलावा एम में भी जो सेक्टर है इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं अगर इन तीनों क्षेत्रों में से भी कोई भी अगर आ, कोई भी एंटिटी है जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहती है इस स्कीम का फायदा लेना चाहती है तो वो भी इसमें एलिजिबल है आ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफ इनका एक बहुत बड़ा अच्छा स्कोप है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको जो है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से इस काम काम को कर सकते हैं इसके अलावा जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं अंडर सेक्शन एट वो भी इसमें एलिजिबल होती हैं और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इसमें एक, एक एलिजिबल एंटिटी की तरह हैं तो देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति से लेके किसी प्राइवेट लिमिटेड या कोई कंपनी तक इसमें जो है वो एलिजिबल एंटिटी की तरह इसमें जो है इस स्कीम का माध्यम से लाभ उठा सकते हैं पहली एक्टिविटी अगर हम बात करें तो है डेयरी प्रोसेसिंग एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो डेयरी प्रोसेसिंग अपने आप में एक कार्य हो गया उसके अलावा जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें डेयरी उद्योग में भी बहुत सारे नए नए तरह के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा तो डेयरी प्रोसेसिंग एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक एक्टिविटी के तौर तो पर देखा जा सकता है इसी तरह मीट एंड मीट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीट एंड मीट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग भी एक बहुत बड़ा जो है वो सेटअप होता है उसको उसके लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होती है साथ ही साथ जो फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको इस्टेब्लिश करने के लिए उनको उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इस्टैब्लिश किया जाए तो ये मुख्यतः तीन तरह के जो हैं वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको इसमें इंसेंटिवाइज़ किया गया है तो एलिजिबल एक्टिविटीज़ में अगर हम डेयरी प्रोसेसिंग की बात करें तो डेयरी प्रोसेसिंग में ऐसे कोई भी नए यूनिट या कोई एग्जिस्टिंग यूनिट है कोई डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट है वो दोनों ही इसमें जो है इस स्कीम के माध्यम से इस, इसका इसका जो है इस फंड का लाभ उठा सकते हैं यहाँ पे हम समझते हैं कि वैल्यू एडिट क्या इसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग आती है तो ऐसे यूनिट्स चाहे वो नए हो या कोई पहले से कार्य कर रहे हों जो मैन्युफैक्चरिंग में हो मिल्क के प्रोडक्ट्स जो कि आइसक्रीम यूनिट भी हो सकती हैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो सकती है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट हो सकती है विद टेट्रा पैकेजिंग फैसिलिटीज क्योंकि अब uh, जिस तरह से uh, बड़े शहरों में दूध का जो है वो अवेलेबिलिटी पैकेज फूड के फॉर्म की तरह ही मिलती है तो यहाँ पर टेट्रा पैकेजिंग फैसिलिटीज काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है तो इस तरह के टेट्रा पैक्स की पैकिंग फैसिलिटी हो ऐसे यूनिट्स फ्लेवर्ड uh, मिल्क uh, आजकल बहुत uh, चल रहा है तो फ्लेवर्ड मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इसमें लाभ उठा सकते हैं मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खासतौर पे हमने देखा कि होटल इंडस्ट्री में या टूरिज्म uh, इंडस्ट्री में इसका बहुत uh, बहुत रिक्वायरमेंट होती है तो पाउडर मिल्क भी काफ़ी एक डिमांड uh, में होता है तो पाउडर मिल्क मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स भी हो सकते हैं इसी तरह वे पाउडर मैनुफैक्चरिंग ये भी एक ऑल्टरनेट की तरह निकल के आता है या इसी तरह के दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तरह होते हैं और ये सब जो है वो इसमें एक एलिजिबल होते हैं इस स्कीम के माध्यम से अगर हम मीट प्रोसेसिंग की बात करें तो मीट प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है कोई भी नई मीट प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो या एग्जिस्टिंग कोई मीट प्रोसेसिंग यूनिट हो वो किसी रूरल क्षेत्र में भी हो सकती है ख़ासतौर पे शीप गोट या इस तरह का पोल्ट्री से संबंधित तो मीट प्रोसेसिंग में इस तरह की यूनिट्स आ सकती हैं इसी तरह रूरल के अलावा जैसे सेमी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे भी कोई नया या कोई एग्जिस्टिंग मीट प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी इसमें एक एलिजिबल एंटिटी की तरह होगा इसी के साथ साथ कोई नया इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं खासतौर पे अर्बन एरियाज में तो रूरल सेमी अर्बन और अर्बन तीनों ही क्षेत्रों में कोई भी अगर नया या एग्जिस्टिंग कोई मीट प्रोसेसिंग यूनिट है तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं इसके अलावा जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड मीट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं बड़े प्लांट्स होते हैं या यूनिट्स कह सकते हैं उनको वो भी इसमें एलिजिबल एक्टिविटीज़ की तरह उसको भी देखा जाता है इसके अलावा जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक्सपोर्ट यूनिट्स को बढ़ावा देना तो मिल मीट एक्सपोर्ट uh, एक बहुत बड़ा ख़ासतौर पे जो बफेलो मीट प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं जो फैसिलिटीज हैं वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है बफेलो मीट का तो एक्सपोर्ट ऐसे एक्सपोर्ट यूनिट्स वो भी इसमें काउंट किए जाते हैं Uh, इसके अलावा जो पोल्ट्री मीट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं आ, वो भी इसमें जो है काउंट किए जाते हैं और पोर्क प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जो होते हैं वो भी मीट प्रोसेसिंग के तहत ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो एलिजिबल एंटिटी की तरह देखे जाते हैं अब अगर हम इसमें भी हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स समझें कि मीट प्रोसेसिंग में क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं तो जैसा हमने देखा आजकल होटल इंडस्ट्री में या रेस्टोरेंट्स में काफ़ी खाने पीने का रिवाज जिस तरह से हो गया है तो नए नए तरह के प्रोडक्ट्स भी मीट के प्रोडक्ट्स या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं जैसे जिसमें सॉसेजेस होते हैं नगेट्स हो सकते हैं हैम है सलामीज हैं बेकन्स हैं तो ये सारे इस तरह के अगर कोई मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो इस तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं मैन्यूफेक्चर कर रहे हैं तो उनकी यूनिट्स को भी जो है इसमें एक एलिजिबल यूनिट की तरह देखा जा गया तो वो भी इस ए एच आई डी एफ जो फंड है इसके माध्यम से इसमें जो है वो फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है जो भी मीट प्रोसेसिंग प्लांट होता है उसमें ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है ईटीपी, उसकी जो कॉस्ट होती है वो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा साथ ही साथ जो मीट माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको हमेशा उसकी मीट की क्वालिटी और उसकी आ, बहुत ही ध्यान रखना होगा सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे तो यहाँ पर जो टेस्टिंग होती है जो टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा इसी तरह जो रेसिड्यू टेस्टिंग लेबोरेटरी होगी या जो कोल्ड स्टोरेज होगा आ, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपका आ, ये सारी चीज़ों को होल्ड करने के लिए चाहिए होगा इसी तरह जो स्किन या हाइड प्रोसेसिंग एरियाज हैं उनके प्रिजर्वेशन से संबंधित हो सकता है रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ हो सकती हैं या जो चिल्ड प्रोडक्ट्स में जहाँ पे रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज चाहिए होती हैं तो ये सारी चीज़ें जितना भी आपको यहाँ पे आ, कह सकते हैं कि मशीनरी पार्ट है या जो टेक्नोलॉजी पार्ट है वो वो कॉस्ट भी आपको इसके अंदर जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी इस इस प्रोजेक्ट के अंदर तब इसको जो है वो एक पूरा ओवरऑल कॉस्ट आप निकाल पाएंगे तो वो यहाँ पे यह ध्यान रखने वाली बात जरूरी है कि ये सारी कॉस्टिंग्स भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी मिल्क uh, और मीट के बाद हम समझते हैं कि एनिमल फीड प्लांट जो एक्टिविटी है उसमें किस तरह का रिक्वायरमेंट्स होती है किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जो स्पेशली जो एनिमल फीड प्लांट्स हैं वो उसमें भी वही प्रक्रिया है कि कोई अगर नया यूनिट को इस्टेब्लिश कर रहा है या पहले से अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो उनको इसमें कंसिडर किया जाता है यहाँ पर वो उनका स्केल कुछ भी हो सकता है वो मिनी मिनी प्लांट की तरह हो सकते हैं मीडियम या लार्ज एनिमल फीड प्लांट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं तो तीनों ही कैटेगरी यहाँ पर कोई स्केल ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतना होना चाहिए या मैक्सिमम इतना होना चाहिए तीनों तरह के यूनिट्स को एक एलिजिबल एंटिटी की तरह वो देखा जाएगा इसी तरह टोटल मिक्स्ड राशन ब्लॉक मेकिंग यूनिट भी एक इसमें जो है वो एक एलिजिबल यूनिट की तरह होगा बाईपास प्रोटीन यूनिट्स ये भी इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर मिनरल मिक्सचर प्लांट्स तो ये सब एनिमल फीड से संबंधित प्लांट्स हैं तो ये इस तरह के कोई भी अगर प्लांट हैं तो वो एक एलिजिबल एक्टिविटी की तरह एक एलिजिबल इस ए फंड की तरह में जो है वो एलिजिबल होगा इसी तरह एनिमल फीड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो होती है, जो होती है जो कोई वो अगर किसी एनिमल फीड प्लांट के अंदर है तो वो भी इसका जो है वो एक पार्ट बनेगी इस यूनिट का पार्ट होना चाहिए ताकि क्वालिटी फीड को जो है वो आप इंश्योर कर सकें और क्योंकि यहाँ पे एनिमल फीड से संबंधित है तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी तभी उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अच्छे होंगे तो यहाँ पे एनिमल फीड को जो है बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है ताकि बेहतर से बेहतर एनिमल फीड तैयार किया जा सके और जो एनिमल्स को जो हम फीड प्रोवाइड करें वो बेहतर से बेहतर उन तक पहुँच सके अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिजिबल एक्टिविटी है जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एनिमल वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट कैसे हम वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करें कैसे हम जो एनिमल की जो वेस्ट है उसको हम क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके माध्यम से वेस्ट टू वेल्थ हो सकता है ये पूरा uh, जो कॉन्सेप्ट है ये वो एग्री वेस्ट मैनेजमेंट के तहत आता है तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एनिमल वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित होता है वो सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्कीम के लिए एलिजिबल एक्टिविटी की तरह है तो ये तो ओवरऑल पहले पॉइंट में ही कवर हो जाएगा कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें कवर किया जाएगा इसके अलावा अगर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं जहाँ पे काऊ डंग से संबंधित या काऊ यूरिन प्रोडक्शन है उनका इक्विपमेंट्स हैं फॉर कलेक्शन ऑफ काउ डंग एंड काओ यूरिन उसके लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी वो इसमें कवर की जाएगी इसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है इसमें कॉस्ट ऑफ ड्रम्स हो सकते हैं फिलर्स हो सकते हैं टैंक्स हैं कंटेनर्स हैं कलेक्शन क्योंकि कलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ यूरिन्स कलेक्शन शेड्स हो सकते हैं बनाने पड़ेंगे आपको कलेक्शन ऑफ कैटल यूरन्स इन इम्प्रूव कैटल शेड्स फॉर यूज एज लिक्विड मैन्योर एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए या लिक्विड मैन्योर बनाने के लिए आपको बेहतर कैटल शेड्स चाहिए होंगे और उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ को प्रोसेस uh, करने के लिए आपको और शेड्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे जितनी भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स अब तो काओडंग से भी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हम देखते हैं कि गमले बन रहे हैं दिए बन रहे हैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काउडंग से आ रहे हैं जो यानी कि मिट्टी के और ऑल्टरनेटिव की तरह भी काउडंग को दिया लिया जा रहा है तो वहाँ पर इसको प्रोसेसिंग के लिए भी आपको बड़े स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ेगा इसी के साथ साथ पिट्स के बनाना पड़ेगा जहाँ पर डंग्स या उन ट यूरन के टैंक्स आप खड़े कर सकें या रख सकें तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए एलिजिबल होगा Uh, इसका जो तो तीसरा पार्ट होता है वो था मार्केटिंग पार्ट की मार्केटिंग भी ज़रूरी है तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट होगा वो जितनी भी मार्केटिंग होगी मैन्युफैक्चरिंग उनकी प्रोडक्ट्स की वो भी इसमें जो है वो एलिजिबल माना जाएगा अब वो मै कैसे हो सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेसिंग या मार्केटिंग सेंटर कोई आप सेंटर बना रहे हैं मार्केटिंग सेंटर बना रहे हैं या प्रोसेसिंग सेंटर कर रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग करनी है जितना भी इसमें मेजर मेजरिंग या पैकेजिंग या लेबलिंग फैसिलिटीज हो रही हैं उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या फिर जो मोबाइल मार्केटिंग यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट वो भी इसमें एलिजिबल होगी वो भी इसका एक एलिजिबल कंपोनेंट की तरह होगा तो मार्केटिंग में भी जो जिस तरह के भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं पैकेजिंग से संबंधित मोबाइल मार्केटिंग से संबंधित या प्रोसेसिंग या मार्केटिंग सेंटर बनाने से संबंधित वो भी इसमें जो है वो एलिजिबल होता है की फीचर्स समझते हैं क्या की फीचर्स होते हैं तो इस स्कीम के माध्यम से जो लोन है उसकी जो एक्चुअल लोन की वैल्यू होगी वो 90 परसेंट हो सकती है 90 परसेंट ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है जो इस लोन जो आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि किसी भी शेड्यूल बैंक से आपको मिल सकता है जो भी आपका लेकिन वो ये देखिएगा कि आपका प्रोजेक्ट कितना वायबल है आप एलिजिबल इसके लिए एलिजिबल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आठ साल का इसमें जो है रीपेमेंट uh, दिया जाता है जिसमें दो साल का मॉरेटोरियम भी इंक्लूडेड है तो कह सकते हैं कि छः साल का लोन टेन्योर होगा और दो साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके लिए जो है आपको मॉरेटोरियम मिल सकता है इंटरेस्ट रेट की अगर हम समझने की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है तीन परसेंट परसेंट का आपको जितने भी एलिजिबल एंटिटीज़ हैं उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है सबवेंशन का बेनिफिट मिलता है तीन तीन परसेंट का यहाँ पे क्रेडिट गारंटी क्या है तो क्रेडिट गारंटी फ़ंड एक तैयार किया गया है जो कि नाबार्ड के माध्यम से हुआ है और जिसका टोटल कॉर्पस जो है वो साढ़े सात सौ करोड़ है एक अच्छा कॉर्पस है ये नाबार्ड के माध्यम से ही क्रेडिट गारंटी फ़ंड तैयार किया गया है इसकी मदद से काफ़ी इसमें जो है वो सपोर्ट मिलता है इसको जितना जो भी क्रेडिट गारंटी है वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को दी जाएगी जो कि वायबल होंगे बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोजेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसकी वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगा तो बैंक आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की स्टेज पे ही आपको एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर सकता है तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बहुत अच्छे से समझ के बनाएं उस उद्योग के बारे में आप अच्छे से अच्छी नॉलेज लें आप ज़मीनी स्तर पे उसको समझें और उसी हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करें उसका जो पूरा बिज़नेस प्लान है आप उसी हिसाब से बनाएं तो यहाँ पे यहाँ पे ज़रूरी है कि जितने भी ऐसे वायबल प्रोजेक्ट्स होंगे और ख़ास तौर पर जो कि एम की जो डिफाइंड सीलिंग्स है गारंटी uh, कवरेज के लिए उसके अंदर उसके तहत आते होंगे वही उन्हीं को एक क्रेडिट गारंटी बेनिफिट मिलेगा जो कि ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल टू दॉर यानी कि पच्चीस परसेंट उसका जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी के फॉर्म में अवेलेबल होगा uh, जो लाइबिलिटी ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट अवेलेबल इन द कॉर्पस यानी कि अगर कॉर्पस में से uh, जितनी अवेलेबिलिटी होगी उतना ही मैक्सिमम आपको uh, इसमें जो है वो कॉर्पस उतना मिल पाएगा जो टोटल अमाउंट है ए एच आई डी एफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का वो पंद्रह हज़ार करोड़ जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था और ये फाइनेंशियल ईयर दो हज़ार बीस इक्कीस से लेके फाइनेंशियल ईयर ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर यानी कि तीन फाइनेंशियल ईयर इसमें कवर करेगा तो उस तीन फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टोटल कॉर्पस है वो पंद्रह हज़ार रुपये पंद्रह हज़ार करोड़ रुपये इसके अंदर रखा गया है एक बार जल्दी से प्रोसेस भी समझ लेते हैं कि इस लोन को अवेल करने के लिए कैसे क्या प्रोसेसिंग है कैसे स्टार्ट करना होगा तो कहीं कही ना कहीं ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगा एक ऑनलाइन प्रोसेस है इसका इसके लिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे जो इसकी वेबसाइट है जो लिंक है वो दिखा हुआ है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ए एच आई डी एफ डॉट उद्यमी मित्रा डॉट इन इस पर आप जाके आप जब क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर आपका पोर्टल खुल जाएगा और वहाँ पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन को पूरा फिल करिए वहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं आप उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आपकी एप्लीकेशन पूरी सबमिट हो जाएगी आप पूरे प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर देंगे तो वो लैंडिंग बैंक जिस बैंक के माध्यम से हो रहा होगा जो लेंडर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी या जो बैंक होगा उस तक ये बात ये पहुँचेगा आपकी एप्लीकेशन वो आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगा आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आपके डॉक्यूमेंट्स का जितना भी आपने इसमें पूरी प्रक्रिया में जितनी भी चीज़ें आपने सबमिट करी होंगी वो सब करने के बाद वो अप्रूव करेगा और सेंक्शन लेटर जो है वो पोर्टल पे ही जो है वो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि जो आप प्रक्रिया जो आप स्टार्ट करेंगे वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगी और जब आपका लोन पूरी प्रोसेस से गुजर के अप्रूव और सेंक्शन हो जाएगा तो जो सेंक्शन लेटर है वो भी आपका ऑनलाइन पोर्टल पर ही डिस्प्ले होगा तो आपको समय समय पर वहां पर जाके उसको चेक करते रहना पड़ेगा फिर उसके बाद जो मिनिस्ट्री होगी भारत सरकार की तरफ से जो मिनिस्ट्री होगी मंत्रालय होगा वहां पे इंटरेस्ट कन्वेंशन बेस्ड जो सेंक्शन लेटर होगा वो बैंकों द्वारा भेजा जाएगा और मिनिस्ट्री जो है उसको अप्रूव करेगी फाइनल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन और ये भी प्रक्रिया पूरी पोर्टल पे आपको जो है अवेलेबल रहेगी यानी कि पोर्टल पे ही आप जाके इसको भी आप चेक कर सकते हैं और समय समय पे आपको इसके बारे में जो ज़रूरी जानकारी होगी वो मिलती रहेगी इसके बाद जब अप्रूवल हो जाएगा मिनिस्ट्री एंड कंप्लायंस जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं उन सब का चेक करने के बाद उनको रिव्यू करने के बाद वो सारी चीज़ें जब चेक हो जाएंगी तो मिनिस्ट्री के माध्यम से जो है इसका अप्रूवल आएगा जो कि जो कि आपका पोर्टल पे उसके भी नोटिफिकेशन और आपको मिलेंगी और जो भी सेंकशन लेटर पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी उसके तहत जो भी बैंक होगा वो आपका लोन अमाउंट का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डिसबर्स कर देगा तो पूरी प्रक्रिया एक तरह से ऑनलाइन है यहाँ पे जरूरी ये है ध्यान रखना आपको कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें वो आप प्रॉपरली फिल करके शब्दों में आप उसे फिल करें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो आप चेकलिस्ट के हिसाब से या पोर्टल में जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए आप सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करें उसमें तभी अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है वहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है या आपके लोन का जो पूरा प्रोसेस है वो डिले हो सकता है Uh, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिम एनिमल हस्बेंड्री एंड डेरिंग है इसका कोलैबोरेशन हुआ है सिडबी के साथ यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो इसको इन्होंने एज अ uh, कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर होगा इस स्कीम का uh, उसको इसमें जो है वो एक कोलैबोरेशन किया है सिडबी के साथ और वही इस स्कीम को जो है वो इफ़ेक्टिवनेस uh, चेक करता रहेगा इसकी इसको रिव्यू करता रहेगा सिडबी ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल बनाया हुआ है जैसा मैंने अभी आपको जिसका लिंक पहले भी बताया था ए एच आई डी एफ डॉट उद्यमी मित्र डॉट इन इस पोर्टल के इसको जो निर्माण किया है वो सिड भी नहीं करा है तो सिड भी इस बेसिकली इस पूरे पोर्टल को जो है वो रन कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है तो जितना भी इसमें लोन एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है इस जो पोर्टल है इसके माध्यम से ही इसमें पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया होती है कुछ इस तरह का पेज खुलेगा जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दिया होगा तो इस तरह का पेज है तो यहाँ पे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है फिर आपका जो बैंक होगा उस पर लोन के लिए जाएगा इंटरसवेंशन का जो पार्ट होगा वो इंक्लूड किया जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से और फिर आपका जो डिसबर्समेंट है वो फाइनल आपके पास पहुंच जाएगा और पूरा जो प्रक्रिया है वो पूरी ऑनलाइन करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी तो इस स्कीम के माध्यम से हमने समझा कि कैसे हम एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है जो सेटअप की रिक्वायरमेंट्स हैं इस तरह के यूनिट्स को सेटअप करना या जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको और बेहतर बनाना वो ज़रूरी होता है तो कहीं ना कहीं इस फंड के माध्यम से इस स्कीम के माध्यम से आप अपने जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं या कोई नई यूनिट आप डालना चाहते हैं तो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इस क्षेत्र में आप काफ़ी रोजगार अपने लिए भी और आप नए नए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकते हैं तो ना सिर्फ आप एम्प्लॉयमेंट आप खुद एम्प्लॉयड होंगे बल्कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी आप मदद करेंगे और जैसा कि हमारे भारत सरकार का जो विज़न है कि आत्मनिर्भर भारत तो वहाँ पे आप इसको जो है एक इस दिशा में आप आगे बढ़ सकेंगे और देश की तरक्की में आप भी योगदान दे सकेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आपको सभी ज़रूरी जानकारियाँ मिल गई होंगी और आप जिस पोर्टल का मैंने जिक्र किया वहाँ पर भी जाके आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद हेलो एवरीवन मैं सलोनी बंसल आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिज़नेस आइडिया की जो कि है ऑयल मिलिंग एंड प्रोसेसिंग बिजनेस हालांकि मैं इसकी डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है अगर हम बात करें इंडिया में कौन से ऑयल की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है मस्टर्ड ऑयल पिपाम ऑयल और काफ़ी ऐसे ऑयल जो कि काफ़ी ऐसे रीजन में यूज़ किए जाते हैं जैसे साउथन रीजन की बात करें तो ग्राउंड नट ऑयल कोकोनट ऑयल की ज़्यादा डिमांड है तो इसी से हम शुरू करते हैं कि किसकी डिमांड मार्केट तो में किस तरह से है और इसकी जो डिमांड है कभी गिरेगी नहीं और हालांकि डे टू डे ही बढ़ती जाएगी चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में और जानते हैं कि किस इंडस्ट्री को किस तरह से मार्केट में बढ़ती जा रही है और किस तरह से इसके कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उसकी डिमांड लोगों को और भी ज़्यादा डिमांडेड बना रही है जैसे उसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इस इंडस्ट्री में हम पहले लेते हैं पिपामेंट ऑयल जानते हैं कि पिपामेंट ऑयल होता क्या है और ये कहाँ से निकलता है और किस चीज़ों में इसके यूज़ होता है पिपामेंट ऑयल बेसिकली एक तरह का प्लांट होता है जो कि लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी लीव से पिपामेंट और काफ़ी ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे मार्केट में काफ़ी जगह इनका यूज़ होता है अगर हम मेडिसिनल बात करें या कॉस्मेटिक की बात करें वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूसेज है पिपामेंट ऑयल का क्योंकि ये असेंशली काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल के बाद इसका कुछ एम में इसका लिक्विड निकलता है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर हम बात करें मेडिसिनल की तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जहाँ पे बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन ओबियसली uh, इसका यूसेज होता है और अगर इस कॉस्मेटिक की बात करें तो जहाँ पे ऐसे ऑयल स्किन केयर हो गया या फिर कोई ऐसे लिपस्टिक्स हो गए तो इस तरह की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इस तरह का ऑयल यूसेज करती है आजकल कर एक तरह की इंडस्ट्री इसको ज़्यादा यूसेज कर रही है जैसे असेंशियल ऑयल जहाँ पे लोग पेपरमेंट ऑयल को एक तरह के रूम में फ्रेगरेंस के लिए या फिर हम बात करें इसको एक तरह का रूम कैंडल्स में डालने के लिए तो इस तरह की इंडस्ट्री भी इस तरह की मैनुफैक्चरिंग ऑफ ऑयल ज़्यादा पसंद करती है तो हम देखना चाहेंगे कि ये एक बेसिकली एक एक्सपेंसिव ऑयल होता है क्योंकि इसके जिस तरह से मैंने बात करी कि इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है काफ़ी सारे रॉ मटेरियल के बाद हमें कुछ एम लिक्विड में मिलता है तो इस इंडस्ट्री की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इसके यूसेज की बात करें तो अभी हमने इसके हेल्थ केयर और मेडिसिनल की बात करी कि कहाँ पर इसका ज़्यादा यूसेज है और इसमें अगर बात करेंगे कौन से कौन से रेस्टोरेंट्स में या कौन सी कौन सी ऐसी जगह इसको यूज़ किया जाता है तो कुछ बेवरेज़ में इसका यूसेज होता है जैसे कि हम बात करें कुछ डिशेस uh, में या कुछ ऐसे ड्रिंक्स में इसका मिनिमल टच जिसे हम बोलते हैं uh, एक असेंशियल पार्ट डाला जाता है जो आपके डिश को और एक बेवरेज को काफ़ी एरोमेटिक बना देता है आगे हम बात करें कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है इसको यूज़ करी जाने वाली इंडस्ट्री जैसे मेडिसिन हो गई या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पे टैबलेट्स uh, हो गई जो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है लोगों को और काफ़ी जल्दी क्योर भी करती है आगे इसमें स्किन केयर प्रोडक्ट सेगमेंट में कॉस्मेटिक अभी हमने बात करी थी अभी आपसे कि किस तरह से स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हो गए जो इस तरह का ऑयल काफ़ी पसंद आता है और लोगों को बहुत हील भी करता है जल्दी से आगे हम देखते हैं इसके कहाँ यूजेज ज़्यादा है अगर देखा जाए तो ओरल केयर प्रोडक्ट्स हो गए या अरोमा थेरेपीज हो गई तो इस जगह भी इसका प्रोडक्श इसका यूसेज ऑब्वियसली जब इसका प्रोडक्शन इतनी डिमांड में है तो उसका यूसेज भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में है ओरल प्रोडक्ट्स में हो गया जैसे टूथ पेस्ट हो गया या टूथ पाउडर्स uh, हो गया जो सिर्फ दांतों के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पे इसका ना कुछ असेंशियल पार्ट यूज़ करते हैं बहुत ही मिनिमल जो काफ़ी लोगों को uh, यूसेज में भी हेल्प करता है काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी डिसीज क्योर करता है रिलेटेड टू माउथ या फिर दांतों को या फिर या फिर ये एरोमेटिक या थेरेपी में ये भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे लोगों को मेडिटेशन करते टाइम हेल्प करता है उनको हील करने में तो है यहाँ पे कैंडल्स हो गई या फिर एक इस तरह का हम लोग आजकल डिमांड है कि लोग पानी में इसका एसेंशियल डालते हैं और आ, इसमें लोग अपना फेस वॉश करते हैं तो इस तरह की थेरेपीज बहुत सारी है जहाँ पे इसका डिमांड बहुत हाई है आगे इसकी बात करते हैं मार्केट पोटेंशियल की तो इसकी अभी डिमांड किस तरह से बढ़ रही है इंडिया में और इंटरनेशनली तो ये आ, अगर हम वैल्यूज़ में बात करें तो एक्जैक्टली exactly अभी इसकी यूएस वैल्यू है 2.214 मिलियन 2021 और अगर हम फोरकास्टेड इसके सी ए जी और वैल्यू बोलें तो उसकी 7.1 परसेंट अगर हम इसके एस्टिमेटेड वैल्यू बोलें यूएस डी में तो फोर थर्टी मिलियन जो कि 2022 से 2032 तक हमने एस्टिमेट करी हैं तो इस तरह की इसकी डिमांडेड वैल्यू है मार्केट में आगे चलिए हम बात करते हैं इस ऑयलिंग ऑयल मिलिंग में कि कौन सी इंडस्ट्री का ज़्यादा डिमांड है आता है ग्राउंड नट ऑयल तो ग्राउंडनट ऑयल का यूसेज और ये किस तरह से निकाला जाता है बेसिकली इसको हम कुकिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं और कोई भी ऐसी डिशेस बनाने में से स्वीट डिश हो गई या फिर कॉस्मेटिक uh, में काफ़ी यूसेज है अगर साउथर्न रीजन की बात करें इंडिया में और काफ़ी साइड जहाँ ग्राउंड ग्राउंडनट ऑयल का यूसेज काफ़ी ज़्यादा है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि तो उस एरिया में टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पे इस तरह का ऑयल लोगों को, लोग को काफ़ी हेल्प करता है कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है और काफ़ी अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री की डिमांड उस एरिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन बट डिमांड के हिसाब से इसके हम आगे बात करते हैं कि अभी इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं स्मॉल और मीडियम रेंज इंडस्ट्री में और स्केल में क्योंकि ये इस तरीके प्रोडक्शन है जो घर पर भी हम लगा सकते हैं और अपने घर से बिज़नेस अपने पेटेंट लगा के भी बेच सकते हैं तो इस तरह के बिज़नेस में क्योंकि इसका जो सिंपल रॉ मटेरियल है वो ग्राउंड नट के नट्स हैं जो हम एक होलसेलर होल सेलर से ख़रीद के अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं अपना नेम और अपना पेटेंट राइट्स लगा के तो इस बिज़नेस को uh, हम अगर देखा जाए तो हम स्टार्ट कर सकते हैं और क्योंकि डिमांड के हिसाब से हमने बात करी तो उसका यूसेज uh, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है आगे हम बात करें तो इसको यूज़ uh, किया जाता है काफ़ी कॉमन फूड प्रोडक्ट्स में बनाने के लिए जैसे भी मैंने बोला आपको स्वीट डिश हो गई ऐसे तो कोई एथेनिक uh, रीजन्स uh, होते हैं जहाँ पे फेस्टिवल्स में बेसिकली इसी तरह के प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है और जहाँ पे सिर्फ ग्राउंडनट ऑयल का यूसेज होता है तो इसी तरह से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है आगे इसके हम यूसेज की बात करते हैं कि कौन सी कौन सी जगह इसकी यूसेज सबसे ज्यादा है चलिए हम बात करते हैं इसके मार्केट पोटेंशियल की किस तरह से इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और एस्टिमेटेड डिमांड कितनी बढ़ रही है तो इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो हमने अभी एस्टिमेट किया है वो अप्रॉक्स है फोर जिस तरह से डिमांड है और जिस तरह से प्रोडक्शन और यूसेज है उसके हिसाब से हमने इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है और इसकी हमने अगर फ्यूचर वैल्यू एंड तक कितनी वैल्यू बढ़ सकती है तो हमने इसको यू में निकाली है वन वन फाइव डबल जीरो टू पॉइंट एट मिलियन तो बाय द एंड ऑफ टू थाउजेंड थर्टी थ्री तो इसकी इतनी डिमांड आगे बढ़ सकती है तो इस तरह के ऑयल के हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हमें इजीली बना सकते हैं इसका रॉ मटेरियल होल से ख़रीद के और मार्केट में अपनी तरह अपने, तर अपने हिसाब से इसको हम बेच सकते हैं आगे हम बात करते हैं तीसरे सेगमेंट की एप्रिकॉट ऑयल एप्रिकॉट ऑयल बेसिकली कहाँ से निकलता है और किस तरह से इसकी डिमांड है तो एप्रिकॉट ऑयल एक फ्रूट होता है जिसमें उसका ऑयल निकाल के हम डिफरेंट जगह यूज़ करते हैं और उसका यूसेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है अगर हम इसमें बात करें कि ग्लोबली इसका जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये आ, एक मेडिसिनल के साथ साथ लोगों को टेस्ट में काफ़ी पसंद आता है कुछ ऑयल होते हैं जो टेस्ट में लोगों को पसंद नहीं आते हैं बट ये तरीका और ये जो फ्रूट से निकाला जाता है तो इसमें स्वीटनेस uh, की वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है इन फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में और एक ऐसी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जहाँ पे लोग इसको ऑयल को यूज़ करके अपनी डिशेस और अपनी डिफरेंट एथनिक डिशेस को बेहतरीन बनाते हैं अगर हम इसके बाद बात करें कि ये कहाँ से बेसिकली निकलता है तो इसके जो सीड्स होते हैं एप्रिकॉट ऑयल के उसमें से इसको निकाला जाता है और एक्सट्रैक्शन हम अपना एक मशीन के द्वारा किया जाता है इसको हम बेसिकली अपना कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं आ, बिजनेस बना सकते हैं उस मशीन को यूज़ करके और एप्रिकॉट के फ्रूट्स ला के उसके सीड्स निकाल के उसमें से ऑयल निकाल सकते हैं तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे इसके यूसेज की कहाँ कहाँ इस तरह का ऑयल किस इंडस्ट्री में डिमांडेड है चलिए हम आगे बात करेंगे कौन सी कौन सी इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा डिमांड है और कौन सी इंडस्ट्री इसका यूसेज ज़्यादा करती है जैसे अरोमा थेरेपी जो इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग अरोमा असेंशल ऑयल बनाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली इसका यूसेज होता है बॉडी मसाज ऑयल के लिए तो इस तरह का ऑयल लोगों को पसंद तो आते ही है क्योंकि ये स्वीट होता है थोड़ा सा टेस्ट में तो लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं अगर हम बात करें कि वेरियस हेल्थ सप्लीमेंट्स काफ़ी सारे ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स बनते हैं जहाँ पे इस तरह का ऑयल का असेंशियल पार्ट डाल के उसको लोगों को बहुत हील करता है जब वो इसका कंज्यूम करते हैं और इस तरह की चीज़ें जब प्रोडक्शन होती है तो डिमांड भी इस तरह के लोग सप्लीमेंट्स में भी स्टार्ट करते हैं बिजनेस आगे हम बात करें कॉस्मेटिक में रिड्यूसिंग द एज साइन कॉस्मेटिक में इन तरह की नेचुरल चीज़ों को यूज़ करने से काफ़ी सारी लोगों की एजिंग प्रॉब्लम जाती है या इस तरह की चीज़ें ऑयल यूज़ करने से काफ़ी सारा जो लोगों के आजकल प्रॉब्लम लगती है कि एजिंग एक तरह का प्रॉब्लम है स्किन में तो कंजप्शन ऑफ अगर इस चीज़ का कंजप्शन किया जाए इस ऑयल का तो लोगों को काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिलें तो ये भी इंडस्ट्री इस तरह का ऑयल यूज़ करती है अगर हम बात करें इम्प्रूविंग स्किन टोन और एक्सीलेंट इंग्रेडिएंट फॉर डेजर्ट्स एंड अदर रेसिपीज अभी हमें इसी तरह से कम आ, बात कर रही थी कि कुछ डिशेस या असेंशियल डिशेस होती हैं जो लोग पसंद करते हैं और इस तरह का ऑयल यूज़ करते हैं वही चीज़ है कि हम इस ऑयल को यूज़ करने की बस मेन वजह यही होती है कि काफ़ी डिमांड होती है ऐसे खाने पीने वाले रेस्टोरेंट की और कुछ ऐसी स्टेट में इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि इसके स्वीटनेस ऑफ ऑयल अब हम बात करेंगे इसकी मार्केट पोटेंशियल की कि इसकी मार्केट पोटेंशियल क्या है और एस्टिमेटेड डिमांड uh, क्या है तो एप्रिकोट ऑयल का जो एस्टिमेटेड इंक्रीज़ uh, हो रहा है uh, in, अगर हम बात करें uh, 2022 से तो इसका अप्रोक्सीमेटली है फोर फिफ्टी वन थाउजेंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ है इसकी और ये अगर हम इन द ईयर माने तो uh, 2021 थाउजेंड टू 2026 तक ये जा सकती है तो ये अप्रॉक्सीमेटली डिजिट है जो हमने आपको uh, बताई है और अगर हम इसका सी ए जी और ग्रोथ रेट पूछेंगे तो 4.5 परसेंट है तो जिस तरह से डिमांड है उसी तरह से इसका प्रोडक्शन और एस्टिमेटेड परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया है और हमने uh, आपको बताया नेक्स्ट हम बात करेंगे कि uh, दूसरे और आगे आखिरी पॉइंट पे कि और कौन सी इंडस्ट्री है जो इसके साथ ही काफी ज्यादा डिमांड में है आगे बात आती है सेसमे ऑयल कि सेसमे ऑयल होता क्या है और किस तरह का इसका हम प्रोडक्शन और अपना एक तरह का मार्केट बिजनेस बना सकते हैं सेसमे ऑयल एक तिल होता है जो इसको हम यूज करते हैं काफी विंटर्स में जिसका हम लड्डू बनाते हैं तो बेसिकली वाइट और ब्लैक कलर के सेसमे ऑयल आते हैं और इसका यूसेज और इसका ऑयल जब निकलता है एक्सट्रैक्शन निकालना बहुत इजी है क्योंकि इस तरह के बिज़नेस में से हमें पर्टिकुलर एक मशीन यूज़ करनी होती है जिससे हमारा ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वहाँ जहाँ से हम ऑयल निकाल सकते हैं बट इसका जब हम कंजप्शन करते हैं सीड्स के अलावा ऑयल में तो उसका बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर हम खाने पीने की बात करें या कुछ ऐसी डिशेज़ बनाने की बात करें या फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हेल्थ इंडस्ट्री इस तरह की इंडस्ट्रीज में सभी इंडस्ट्री में इनका यूसेज और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये आपकी कोई भी डिश को स्किन केयर प्रोडक्ट को एक असेंशियल एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ और टेस्ट देती है अगर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कुछ असेंशियल ऑयल डालने से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है केमिकल्स के अलावा भी इसलिए इस ऑयल का यूसेज ज़्यादा होता है अगर हम बात करें कि बेसिकली इसका कुकिंग पे हम अगर हम यूज करते हैं तो इसके जो फ्लेवर होता है इसका जो एसेंस होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है एरोमेटिक बनाता है आपके डिश को और आपके फूड को तो उसका कंज़प्शन इसलिए ज़्यादा इस इंडस्ट्री में है अगर हम आगे बात करें कि इसको हम हेल्दी uh, ऑयल में और एडिबल ऑयल में ज़्यादा लेते हैं क्योंकि uh, ये एक तरीका गर्म ऑयल होता है जो हम विंटर्स में लोग हेल्दी uh, ऑयल के रूप में ज़्यादा लेते हैं और मसाज के टाइम भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये एज़ अ पेन रिलीफर भी ऑयल होता है आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी मार्केट पोटेंशियल कितना बढ़ रही है और इसका एस्टिमेटेड डिमांड क्या है इसकी मार्केट पोटेंशियल मार्केट ग्रोथ क्या है तो इसका एक जो सी ग्रोथ रेट है वो है फाइव और अगर इंक्रीज़ हम देखा जाए कि एस्टिमेटेड वैल्यू कितने कैसे की इंक्रीज़ हो रही है तो इसका यू वैल्यू है 4.12 बिलियन और इसके हम एक्सपेक्टेड यू वैल्यू देखा जाए तो इसमें 7.29 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2032 तो हमने एक अप्रॉक्सीमेटली डिजिट्स निकाली हैं और जो कि हमें हेल्प करेंगी आगे किस तरह की चीजें मार्केट में हम बना सकते हैं एज अपना प्रोडक्शन एज अ बिजनेस रख सकते हैं तो अभी तक हमने बात करी आपके साथ कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग और मिलिंग में किस तरह से हम प्रोडक्शन अपना कर सकते हैं।